हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है बीयर्स लैमबार्ट लॉ प्रीवियस वीडियोस में हम बीयर्स लॉ अलग और लैम्बार्ट लॉ अलग कर चुके हैं बीअर्स लॉ किसके प्रोपोर्शनल होता है कंसन्ट्रेशन के लेम्बार्ट लॉ होता है उसके इंटेंसिटी के एंड बियर लेम्बार्ट लॉ होता है इंटेंसिटी एज वेल कंसनट्रेशन तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं लेमबार्ट लॉ किस के, के प्रपोशन है इंटेंसिटी के बी लॉ किसके है कंसनट्रेशन के वही है जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम किसी होमोजीनियस सोल्यूशन जिसकी थिकनेस डीएक्स है उससे पास कराते हैं ये इनिशियल इंटेंसिटी है ये फाइनल देखिए वेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पासिस थ्रो द होमोजीनियस सॉल्यूशन जब हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को होमोजीनियस सॉल्यूशन से पास कराते हैं डिक्रीज इन द इंटेंसिटी विथ थिकनेस एक्स डी एक्स ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी एज वेल कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन समझ में आ रहा है नेगेटिव है तो डिक्रीज हो जाएगा विथ थिकनेस है प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी और कंसनट्रेशन के तो यहाँ पे को ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे के हो जाएगा अब आई आई वालों को साथ लाएंगे हम डी आई बाई आई के सी डी एक्स अब यहाँ पे को फिर हम इंट्रीग्रेशन करेंगे वही लिमिट हमारी इंटेंसिटी इनिशियल आई ज़ीरो टू आई और ज़ीरो टू एक्स यहाँ पे सेम वही प्रोसेस रहेगा माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आई माइनस साइन आउट के ये जो बाहर आ जाएंगे जो हमारा बचेगा वो एक्स ही हो जाएगा यहाँ से माइनस का साइन कहाँ चल जाएगा यहाँ जाएगा जैसे हमारी प्रीवियसली डेरीवेशन में था तो यहाँ पे को फॉर्मूला होता है एम माइनस एन क्या हो जाता है एम अपॉन एन तो यही फार्मूला है अब यहाँ पे से हम लॉग एल एन हटाएँगे तो हमारा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा तो यही हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये है हमारा बियर्स लैम्बर्ट लॉ का वही है देन आई आई नॉट या इंटू में चला गया इक्वेशन टू ऐसे ही रहेगा यहाँ पर इसको हम लॉग मान लेंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के अपॉन टू थ्री जीरो थ्री इसको हम क्या बोल देंगे एब्जॉर्बेंस तो ये था ये है A की वैल्यू ये इसकी वैल्यू एन सी एक्स ऐसी रहेगा तो हम आज का आज का टॉपिक था बी एस लॉ ऐसे ही टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल की प्लेनिंग